ग्रोसरी का बढ़ता बिल, जेब पर पड़ रहा भारी, समझदारी वाली खरीदारी के लिए आजमाए ये टिप्स। हर चीज़ की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उस हिसाब से आमदनी नहीं बढ़ने पर इसका असर जेब पर भी पड़ता है। घर परिवार की ज़रूरतों के लिए किराना से हर महीने सामान की बड़ी लिस्ट भी होती है, जिसका बिल ना चाहते हुए भी भाग जाता है। ऐसे में समझदारी भरे कुछ टिप्स आजमा कर आप घर का बजट संभाल सकती हैं। ग्रोसरी में जब भी खरीदारी के लिए जाएं, तो सबसे पहले अपनी प्लानिंग बनाएं। जी हाँ, जब भी आप किराने की दुकान पर जाना हो तो सबसे पहले अपनी प्लानिंग बनाकर ही ले जाएं। आपके घर के लिए कौन से सामान ज़रूरी हैं उसकी ही खरीदारी करें। इससे आप बेकार चीज़ें जो आपके लिए उपयोगी नहीं हैं उनकी खरीदारी करने से बच सकती हैं। भोजन में फल और सब्जियों का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ खाने के सामान महंगे हो सकते हैं। इसके लिए आप फ्रोजन, डिब्बाबंद या ड्राई फ्रूट्स को भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको खाद्य पदार्थों का भरपूर पोषण तो प्राप्त होगा, लेकिन आपकी जेब पर यह उतना भारी नहीं पड़ेगा। कई महिलाएं तो सेल और कूपन को देखने में काफ़ी माहिर होती हैं, लेकिन इससे उनका बहुत पैसा बचता भी है। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो ज़रूर करें। कई दुकान और मार्ट किसी खास दिन कीमतों को कम रखकर आपको फ़ायदे का सौदा देते हैं। हमेशा एक्सपायरी डेट देखकर ही खरीदें। खाने के सामान में कई बार फफूंद लग जाते हैं, जिससे वो बेकार हो जाता है और उसे फेंकना पड़ता है। इसलिए आप जब भी खरीदें तो प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट देखकर ही खरीदें। अगर आपका परिवार बड़ा है और सामान की खपत भी अधिक है, तो थोक में सामान खरीदना आपके लिए समझदारी वाली खरीदारी होगी। कई लोग एक ही किराना दुकान से सामान खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित नहीं होता, क्योंकि इससे ना तो आपको ऑफ़र की जानकारी मिलती है जो दूसरे दुकान में चल रही होती है। इसलिए कभी कभी अपने दुकान को भी बदलते रहें। इन उपायों को अपनाकर आप स्टोर से बेकार सामान घर में फ्रिज में जमा करने से बच सकेंगी और अपने पैसों की सही कीमत वसूल सकेंगे। ये हुई ना स्मार्ट वुमेन की स्मार्ट खरीदारी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार।